ये बोलना चाहें कि हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है और उनका अध्यक्ष है राकेश तिवारी, से उनका काफ़ी सहयोग है यहाँ तक हमको लाने के लिए। पिछली बार भी बेंगलोर में थे, आपको जगह नहीं मिली थी, तो वहाँ से आपने अपने गेम को कैसे बदला, इस बार आपका सिलेक्शन केकेआर में हो गया है? मतलब अपना हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बाकी सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में था सिलेक्शन मेहनत कर की है अपना, और सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है। फास्ट बॉलिंग करते हैं, किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? अभी तो हमारे ज़िले के मतलब मुकेश भी हैं गोपालगंज के, क्योंकि अभी बिहार के रहने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका भी स्टोरी सुन के, तो उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते हैं मुकेश भैया को। टीम में नेशनल में किसी को या फिर इंटरनेशनल कोई बॉलर जो है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसका आप एक्शन फॉलो करना चाहते हैं या उनके तरह अचीव करना चाहते हैं? मोहम्मद सिराज। पसंद करते हैं? सिराज भी बेंगलोर में थे आपके साथ पिछली बार? नहीं ना, हम पिछला साल हम थे सीएसके में थे, तो हम धोनी सर को मतलब अपना क्या बोलते हैं रोल मॉडल, हाँ उनको धोनी सर को मानते हैं। धोनी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि धोनी के बाद बिहार के काफ़ी लड़के जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ बढ़े? धोनी सर बहुत अच्छे देखते हैं, मतलब वो उनको हम बॉलिंग करते थे नेट में, तो वो हमको बोलते जैसे बॉलिंग करके जाते थे मतलब पूछने के लिए सर कैसे क्या क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो बोलते थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, बस तुम अपना ऐसा ही करते रहो और अच्छा टैलेंट है, तुम अच्छा मेहनत करो, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है। आपने एक बात कहा था कि जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब आईपीएल खेलने जा रहे हैं, कितनी खुशी है ये स्टोरी? बहुत 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 खुशी है, अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, जहाँ मतलब जीरो से हीरो हमको बीसीए बना दिए, तो इससे खुशी क्या हो सकती है।